भारतीय समाज में कहा जाता है कि शादी के बाद महिलाएं अपना सब कुछ त्याग देती हैं, अपने सपनों को, अपने घर परिवार को त्याग कर वो पूरी तरह से अपनी फैमिली को संभालती हैं, और खासकर अगर बच्चे हो जाएं तो वो अपने सपनों को अपने बच्चों में ही जीने लग जाती हैं। लेकिन ये जो प्रथा है, ये जो परंपरा है, इसको अब महिलाएँ तोड़ रही हैं। और ऐसी एक महिला हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो कि इस समय उत्तर प्रदेश का मॉडलिंग के करियर में जाना माना चेहरा है। जी हाँ, मॉडलिंग की जो फील्ड है उसमें एक जाना माना चेहरा है, इनका नाम है स्नेहा शुक्ला। जी हाँ, आपको बता दें कि स्नेहा शुक्ला जी ने बच्चे होने के बाद अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपने मॉडलिंग करियर को आगे रखा और आज कई एक अच्छा मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है और मॉडलिंग के करियर में उन्होंने कई खिताब भी अपने नाम दर्ज कराए हैं। तो आइए ज़्यादा जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं स्नेहा शुक्ला जी के पास और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उनका करियर कैसे शुरू हुआ। मैम, न्यूज़ 18 में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम, ये बताइए, आपने अपना मॉडलिंग करियर कहाँ से शुरू किया, कैसे आपने तय किया कि आपको मॉडलिंग में ही जाना है? जी, मुझे शुरू से ही मॉडलिंग के लिए और स्पेशली ब्यूटी पेजेंट्स के लिए बहुत अट्रैक्शन था। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी और मिस सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था, तो मैंने उनकी फ़ोटो पिक्चर में देखी थी और मैंने अपनी मदर से पूछा था कि ये क्या है और ये क्राउन क्यों मिलता है। तो जब मुझे पता चली चीज़ें तो उस समय उतनी नॉलेज नहीं थी, पर धीरे धीरे जब मुझे पता चलता गया, मैंने अपने चीज़ों को कलेक्ट करके नॉलेज लेना शुरू किया और वो क्राउन मुझे हमेशा से बहुत अट्रैक्ट करता रहा। तो मैंने तभी से सोच लिया था कि ये क्राउन मुझे भी अपनी लाइफ में चाहिए। तो मैंने मॉडलिंग करियर का स्टार्ट किया था मिस बनारस कॉन्टेस्ट से 2006 में। वो कॉन्टेस्ट में जीती थी और तब से ही मुझे लगा था कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए और ये फील्ड मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। फिर कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई और मेरी शादी हो गई, हस्बैंड इंडियन एयरफोर्स में थे तो उनकी पोस्टिंग्स काफ़ी बाहर लोकेशंस में रहती थी, तो मैं इस कैरियर को आगे नहीं बढ़ा पाई। पर लकीली उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और अब जब मैंने मदरहुड को अटेन कर लिया, मेरे दो बेटे हैं और उसके बाद भी काफ़ी बीच में अप्स डाउन्स आते रहे क्योंकि बच्चे होने के बाद मेरा वज़न बहुत बढ़ गया था। तो अपने आप को फिट रखना, मेंटेन रखना इस फील्ड की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ एक फिट बॉडी, आपका फिट माइंड भी बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने अपनी बॉडी पे, अपने फिजिक पे काम करना शुरू किया और मैंने बहुत हार्ड वर्क किया स्पेशली कोविड के टाइम पे। इसके पहले मैंने दो कॉन्टेस्ट जीते थे, मिसेज अवध, मिसेज दीवा ऑफ अवध, तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिला। और मेरा जो सबसे बड़ा पेजेंट रहा है वो है मिसेज नेचुरल ब्यूटी, जिसमें मुझे मिसेज आदिति गोवित्रिकर, महक चहल उनके द्वारा सम्मानित किया गया। तो इसके लिए मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया और जब मैं पहली बार इस कॉन्टेस्ट में गई थी तो मैं रिजेक्ट हो गई थी, पर मैंने हार नहीं मानी और मैं और डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ मैंने नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर किया खुद को और मैंने फिर से अप्लाई किया और लकीली मैं सिलेक्ट हो गई। ना सिर्फ मैं लखनऊ से फाइनलिस्ट बनी बल्कि मैंने इस कॉन्टेस्ट को भी जीता। और उसके बाद मुझे काफ़ी सारे मॉडलिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आई, जैसे मैंने काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड्स के लिए मॉडल शूट भी किया है। अभी मैं एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर, एज अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर भी काम कर रही हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मेरा एक पब्लिक पेज भी है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और इस टाइप के ऑफर्स मुझे आते हैं, इनफैक्ट मुझे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी आते रहते हैं वेब सीरीज़ के, पर मैं क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, एज एन एचआर मैनेजर जॉब करती हूँ, तो थोड़ा सा उन चीज़ों पर भी बैलेंस नहीं कर रही हूँ। और मैंने अभी एक साल का ब्रेक लिया हुआ है बिकॉज मैं मिसेज इंडिया के लिए तैयार कर रही हूँ। सो मेरा सपना वो है कि अगर मैं मिसेज इंडिया जीत जाती हूँ तो मिसेज वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकूँ और इंडिया के लिए उस क्राउन को वापस ला सकूँ। और मैम ने ये भी बताया कि मैम का जो लक्ष्य है काफ़ी बड़ा है और आने वाले टाइम पर यकीनन एक बड़े मुकाम पे हम उनको देख सकते हैं। तो ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।